हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट। तो गाइस, हम लोग आज निकल रहे हैं जम्मू और उधर से वैष्णो देवी माता के दर्शन करेंगे। तो हमारा ऑल सेट है, रेडी वेडी हो गए हैं, तो बस चेकआउट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को लास्ट ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अभी इस ट्रिप को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, दिस वाज द होटल, ग्रैंड होटल पठानकोट। टाइम हो रखा है 9:30 बजे। गाड़ी अपनी पार्किंग में लगी हुई है, सामान लग ही रहा है। भाजी, क्या नाम है आपका? जसविंदर। तो भाई, ये था होटल पठानकोट में। अपनी गाड़ी गंदी हो रही थी तो यहाँ के जो रूम वाले बंदे, उन्होंने साफ कर दी, लेकिन हमने एसी से पूरा अपना क्लीन किया है। चलते हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और अभी अपन लोग सीधे जा रहे हैं जम्मू। तो चलते चले जा रहे हैं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क एकदम बंद हो गया। जैसे ही जम्मू कश्मीर का एक बोर्ड दिखाता कि वेलकम टू जम्मू कश्मीर, उधर से ही मोबाइल नेटवर्क चला गया। तो अपने पास एक पोस्टपेड थी, क्योंकि अपन लोग ऑलरेडी प्लान करके आए थे कि लद्दाख में जाएंगे, तो लद्दाख में तो अपने को पोस्टपेड सिम चाहिए BSNL की, तो अपन लेके आए हुए थे। लेकिन एक चीज़ है कि हमें ये नहीं मालूम था कि जम्मू कश्मीर में भी चले जाएंगे, क्योंकि अपना एक बंदा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में, कल उसने फ़ोन किया था, वो बंदा नोएडा में रहता है, तो उससे कल अपनी बात हुई थी। अभी पता नहीं हमारी सिम के साथ क्या है, हमारे टावर ही नहीं आ रहे हैं। और जम्मू में बस यहाँ से पहुँचने वाले हैं, करीब 40-50 किलोमीटर होगा। आर्मी के एकदम दबादब लोग जा रहे हैं। और सच बताऊँ, अगर सही मायने में देखा जाए तो आज हमारा देश जितना भी सुरक्षित है ना, वो सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो इन लोगों को बहुत एक सैल्यूट देना चाहूँगा मैं तो भाई NCC में भी रह चुका हूँ। इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता है, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जय हिंद जरूर लिख देना, और इंडियन आर्मी के लिए जितना सपोर्ट हो आप लोगों के लिए, प्लीज़ सब लोग कमेंट में लिखना कि आप कितना सपोर्ट करते हो इंडियन आर्मी को। जय हिंद दोस्तों। हमारा स्वागत नहीं करोगे? तो गाइस, वी आर इन जम्मू सिटी राइट नाउ। कटरा के लिए हमें राइट लेना पड़ेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर में आज कुछ स्पेशल है, तो हर जगह आप देख सकते हो अपना नेशनल फ्लैग लगा हुआ है हर व्हीकल्स पे, जो है कि लोकल्स हैं वो लोग ला के घूम रहे हैं। ये देखो अपनी इंडियन आर्मी का पूरा एकदम फुल गजब, मस्त, मजा आ गया। तो गाइस, पहला ले का बोर्ड हमें दिखाई दे गया है कटरा जाते हुए। यू कैन सी ले 728 किलोमीटर। सेक्शन स्टार्ट हो गया है, सब लोग यहाँ पे ये व्यू देखने के लिए रुके थे, और बहुत ही मस्त जगह है। यहाँ पे कटरा 40 या 45 किलोमीटर है, और काफ़ी सही अच्छा है। अपन टाइम से पहुँच जाएंगे और वहाँ पे दर्शन भी कर लेंगे।
रोड जो सीधा कटरा जाता, तो अपन लोग यहाँ रुके हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है इधर। ये वाला रोड सीधा श्रीनगर गया है, तो अपन सीधे माता रानी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम लोग माता रानी के दरबार में बिल्कुल एकदम एंट्री कर रहे हैं, और ये देखो सामने का व्यू, ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है इधर। यहाँ से हेलीपैड से सोच रहे हैं जाने की, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यात्रा पर्ची के लिए यात्री की जो टिकट है वो बनवानी पड़ेगी, यहाँ से फ्री ऑफ काउंटर से मिल जाती है। फिर आपको अपना जो आधार कार्ड है उसका एक आधार कार्ड लेके, और यहाँ पर करंट टिकट काउंटर है हेलीकॉप्टर का, उधर जाना पड़ेगा। गाइस ये टिकट काउंटर है करंट का, और हम दोनों को मिल गई है। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर के वाली टिकट लेनी है माता रानी के लिए, तो आप यहाँ निहारिका कॉम्प्लेक्स आओ जो बस स्टैंड के जो सामने है। फिर उसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करने के बाद फिर वो रिक्वायरमेंट होगी तो आपको टोकन देंगे टिकट के लिए, फिर आपको ये लेके हेलीपैड जाना है। तो अपन अभी हेलीपैड जा रहे हैं। गाइस हेलीकॉप्टर का कैश काउंटर से पेमेंट करके आपको ये पर्ची मिलेगी, फिर बोर्डिंग पास काउंटर पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। सो गाइस एज यू कैन सी वी गॉट द टिकट एंड दिस इज द बोर्डिंग पास, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड द हेलीपैड। पैदल पैदल जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर है। हम लोगों ने सीढ़ियाँ चूज करी हैं, स्टेयर्स, और माता का मंदिर शायद इधर है। अब जाके एग्जिट हुआ है, टाइम हो रहा है 3:32, 9 तारीख, और अपन लोगों ने यात्रा पूरी कंप्लीट कर ली है एग्जिट वाली। फिर से ओवरटेक मारेगा, देखो क्या गंदे कट, ओह फिर आ गया भाई, आ जा। गाइज इतने डेडली रोड है लाइफ में, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपने कभी घाट सेक्शन में कभी गाड़ी नहीं चलाई है तो ये गलती कभी मत करना। तो 38 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था टनल से पहले, जैसे वो टनल को क्रॉस करे ना मुझे यहाँ पर ठंड लगने लगी सूरज से, क्योंकि पीछे स्नो कैप माउंटेन अपने को नज़र आने लग गए हैं, पूरा